किचन रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ चीज़ बन पिज्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने दो बन लिए हैं, उसको इस तरह से हाफ कट कर लिया है, चीज़ स्लाइस, अनियन, कैप्सिकम है, चॉप्ड टोमेटो सॉस, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, ये हो गए। मैंने एक पैन गरम कर लिया, उसमें दो से थ्री स्पून बटर डाल रही हूँ और कुछ गार्लिक को 6-7 है उसको हम क्रस्ट कर लेते हैं इस तरह से, और उसको हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे उसको हम रोस्ट करेंगे। फ्लेम को तेज नहीं करना, जस्ट अरोमा आएगा और इसे हम इस तरह से ड्रेन कर लेंगे। ये बच्चों के कारण ड्रेन कर रही हूँ, अगर आपको गार्लिक अच्छा लगता है इसी तरह से तो आप ड्रेन ना करें, ऐसे ही ब्रेड के ऊपर लगाएं, बच्चे के अंदर जब जाता है तो ये नहीं करना खाना चाहते हैं, इसलिए मैं ऐसा की मैंने पैन में कुछ ये कैप्सिकम और अनियन को है उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रोस्ट कर रही हूँ, टिल लाइट ब्राउन जब हो जाए या ये सॉफ्ट हो जाए तब तक हम ब्राउन इसको कुक कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे ही। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो रहा है, ये हो गया, और मैंने पैन को गर्म होने के लिए रखा है कवर करके। ये जो बन है हमारा उसके ऊपर मैं ये टोमेटो सॉस स्प्रेड कर लेती हूँ, उसके ऊपर से चीज़ स्लाइस, और इसके ऊपर हम ओरिगैनो कुछ ओरिगैनो स्प्रिंकल करते हैं और चिली फ्लेक्स। और जो वेजेज हमने किए हैं सौते उसको भी हम इसके ऊपर से डाल देते हैं। हमें हमेशा पिज्ज़ा बना नहीं पाते हैं, लाना पड़ता है मार्केट से, तो आपके पास बन है तो इस तरह से बच्चों को दें बना के, बहुत ही टेस्टी लगेगी, डेफिनेटली ये पिज्ज़ा की टाइप की तरह का ही टेस्ट आता है और थोड़ा सा अलग है, अच्छा होता है क्योंकि हम इसमें गार्लिक बटर यूज़ करें, उसका भी फ्लेवर आता है। इस तरह से अरेंज कर लेंगे बाकी को भी हम 1 by 1, और ये थोड़ा बटर मैं इसमें डाल दे रही हूँ पैन में, मेरा हम लोग का पैन हीट है, और इसको कवर कर देंगे हम लोग 2 मिनट के लिए, वो मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे से ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा क्रश हो जाएगा ये। और एक दूसरा वे हम जो बता रहे हैं, ये देखिए ये हो गया, और दूसरा वे जो हम बता रहे हैं वो हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। मैंने ये सेरामिक प्लेट लिया है, इसके ऊपर बटर कुछ लगा देते हैं इस तरह से, और उसी तरह से अरेंज करके बन को हम इसके भी इसमें बना देंगे, माइक्रोवेव में बनाएंगे, इसमें भी इसमें मेल्ट हो जाएगा और बटर ये बन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें हार्ड हो जाता है, इसमें थोड़ा सॉफ्ट होता है, दोनों का क्रंच अलग अलग आता है। ये देखिए मैं इसको अब अराउंड 1 मिनट के लिए इसको हम कर लेते हैं माइक्रोवेव, और इस तरह से देखिए चीज़ एकदम मेल्ट हो गई है, कुक हो गया है, और ये रेडी है खाने के लिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। ओके।